एवरीबडी, सो आज 24th है, हमारी शादी को पूरे 4 दिन हो गए हैं। सो आई थॉट कि चलो अब तो घर के थोड़े बहुत काम किए जाएँ। आई वॉज जस्ट अरेंजिंग माई वॉर्ड्रोब क्योंकि मम्मी ने बोला कि अक्षित के सारे कपड़े उठा के दूसरे रूम में रख दो और जो तुम्हारे अपने कपड़े हैं उसे अपने रूम में रख लो। मैंने कहा ओके। तो मैंने अपने सारे ड्रेसेस, अपने नए ड्रेसेस सारे अपनी वार्डरोब में लगा दिए और अक्षित के सारे दूसरे वार्डरोब में लगा दिए, क्योंकि मेरे इतने सारे कपड़े हैं ना कि अक्षित के कपड़ों को अब जगह नहीं मिलने वाली यहाँ पर आराम से। सो आई वाज डूइंग दैट और अक्षित तो आज ऑफिस चले गए हैं। अब हमने सोचा है कि शाम को दोपहर में जब वो लंच टाइम में वापस आ जाएंगे तो हम आ जाएंगे नर्सरी, बिकॉज हमें अपना गार्डन बनाना है बालकनी में। और हम प्रॉपर, हम तो नहीं, खैर ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड दैट मच इन मेकिंग गार्डन एंड ऑल। तो मैं चाहती थी कि हम, और ये हमारी ट्रॉय बेबी, ट्रॉय बेबी खाना क्यों नहीं खा रहा तू ट्रॉय? सो ये हमारी बालकनी है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे हम पूरा अपना गार्डन तैयार कर सकते हैं सुंदर सा बैठने के लिए, इट विल बी फन। तो आज मैं उसकी शॉपिंग के लिए बाहर जाना चाहती हूँ, शाम तक वी विल गो फॉर शॉपिंग एंड स्टफ। तब तक मैं सोच रही थी कि क्या करूँ, तो मैंने अपना पूरा रूम अरेंज किया है, अभी काफ़ी कुछ बचा है, आंटी सफाई करने आ रही है, उसके बाद मैं ड्रॉर्स सोच रही हूँ सेट कर दूँ, क्योंकि लड़कों के पास का तो कुछ नहीं है सीरियसली। और ये ट्रॉय साहब हमारे साथ ही सोते हैं रूम में, तो इनका भी सामान यहाँ पे सेट करना है अभी, और ये बेचारा खाना भी नहीं खा रहा सुबह से, गर्मी से परेशान है। सो लेट्स सी, आज हम जाएंगे बाहर मार्केट, तो आई शो यू, तब आप मुझे सजेस्ट करना कि हम क्या क्या ले सकते हैं गार्डन के लिए, जो जो चीज़ें, मतलब मुझे इतने आइडिया नहीं है, बट मेरा बहुत एक ड्रीम था कि अपने घर में मैं अपना गार्डन खुद सेट करूं, तो आई एम गोना स्टार्ट विद दैट सबसे पहले। आ गए उस तरफ से ले जाना है, और ऊपर ही तार वायरिंग वायरिंग करेंगे, देख लेना। सुस्त आदमी, चलो बनाए। स्माइल कर दो इधर, ऐसे वो इंस्टाग्राम पे आते ना पपीज को ऐसे हाथ देते, वैसे फेस रख देते, ये मैं पपी। देखो फिर मैं बाहर जाके आ गया, जल्दी 8 बजे या थोड़ा तो टाइम देना चाहिए था, इधर में सूट करता। शर्म कर लो, शर्म, मेरे लिए जगह नहीं बची है बेड पे, मैं कहाँ पढ़ूँ क्या? तैयार नहीं हो रही, मैं तैयार हो रही हूँ बट शादी के 4 दिन बाद से ये ऑफिस जाना शुरू हो गए, अब पूरी लाइफ ताने पड़ेंगे इस चीज़ के। गलत बात है, काम नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट 4-5 दिन तो नहीं। सबसे पहले तो मैं चाहती थी कि मुझे मेरे गार्डन के लिए एक बड़ा सा ग्रास मैट मिल जाए, क्योंकि ग्रास मैट मिल जाएगा उसके बाद हम वहाँ पे अच्छे से डेकोरेट कर सकते थे, चेयर्स लगा सकते हैं, कूलर लगा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, फैंसी प्लांट्स लगा सकते हैं। पर सबसे पहले मेन मेरी जो प्रायोरिटी थी वो एक ग्रास मैट है। तो अभी हम सबसे पहले घर वाले पास में जो नर्सरी है वहाँ पता करने आए थे कि यहाँ पर ग्रास मैट मिल जाएगा कि नहीं। मिल तो जाएंगे, रुको। चलो आगे चलो।
लग रहा है शॉर्ट। ये करा सकते हैं एक्चुअली यार। कैक्टस कैक्टस है लगा कुछ एजन ये बड़ा क्यूट लगा मुझे इसका जी। हाँ अदरक की शेप का है। हाँ अच्छा लग रहा है। ये भी अदरक की शेप का है। ये भी अच्छा है। जैसे लिस्ट बता दो फिर इनसे प्राइसिंग की बात। ठीक है वीडियो में तो है ही सर। हेलो हाँ क्यूट है कितना क्यूट है। कोई बात नहीं अपना वाला कौन सा आपका कम करता है बेबी। हाँ मेरे बच्चों कितना क्यूट है यार। देखेंगे क्योंकि हम जहाँ पे गए थे वहाँ पे हमें ग्रास मैट भी मिला जो मुझे सबसे पहले चाहिए। उसके बाद प्लांट्स हम बाद में लेंगे प्लांट्स हम उसके बाद में लेंगे। क्या है ऐसा पर कैसे हो सकता है कि उस बंदे के पास ग्रास मैट ना हो। बोल तो रहा है बट वो उसमें देता है। किसमें देता है? बड़ी क्वांटिटी में देता है। तो हमारे बालकनी से बड़ी क्वांटिटी में भी लोग लेते हैं मतलब पूरा गार्डन सजाने के लिए लेते हैं। 100 मीटर 200 मीटर बहुत होता है। 100 मीटर 200 मीटर ऐसे गार्डन बनाने। अभी कितनी दूर है वो शॉप जहाँ जा रही है? देन वी वर सो टायर्ड दैट डे तो हमने कहीं पे भी और शॉपिंग नहीं करी कोई नर्सरी नहीं देखी। तो हमने सोचा कि किसी और दिन आते हैं कहीं और ट्राई करते हैं। फिर हमें भूख लगी तो हम खाने पीने चले गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।